हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर के लिए जो प्रैक्टिकल होता है और वाइवा होता है वो किस तरीके का होता है और कहाँ होता है, उसमें कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, तो फ्रेंड्स वीडियो को कंप्लीट वॉच करना, और अभी भी अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि आपको इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर्स रिलेटेड और इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर से रिलेटेड वीडियोस मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो अपना थ्योरी वाला अगर एग्जाम हो जाता है, ठीक है, और कुछ लोगों का प्रैक्टिकल भी होता है और वाइवा भी होता है, जिनकी प्योर इलेक्ट्रिकल ब्रांच नहीं होती है तो उनका प्रैक्टिकल भी होगा और वाइवा भी होगा। तो फ्रेंड्स वो डिपेंड करता है डिपार्टमेंट के ऊपर, डिपार्टमेंट प्रैक्टिकल भी ले सकता है विथ वाइवा भी ले सकता है, और हो सकता है कि आपका प्रैक्टिकल ना हो मात्र वाइवा हो, जिसको मौखिक भी बोलते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, आपका एग्जाम क्लियर होने के बाद, पेपर होने के बाद जो वो वाइवा जो होता है, ठीक है, तो वो वाइवा कहाँ पर होता है, वो अपने भोपाल में कंडक्ट होता है, और कहाँ पर, RGPV जो यूनिवर्सिटी है ना, RGPV, वहाँ पर ये लोग वाइवा और प्रैक्टिकल कंडक्ट करवाते हैं, ठीक है। तो अब उसमें कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, और क्या क्या आता है, ठीक है, सारा कुछ मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले जो मैं वाइवा की बात करूं कि अगर आपका वाइवा है तो वाइवा में वो कैसे क्वेश्चन पूछेगा। फ्रेंड्स क्या करते हैं वो कि एक 10-12 क्वेश्चन दे देते हैं, ठीक है, और जितने भी वहां पर स्टूडेंट होते हैं, ठीक है, उनको एक एक क्वेश्चन, दो दो क्वेश्चन यानी वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं कि आपको ये करना है, आपको ये करना है। हो सकता है कि वो यानी जितने उनके क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, जो जो क्वेश्चन होते हैं वो हर एक बंदे को डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है, तो उनको वहां पर उन क्वेश्चन को डिस्क्राइब करना होता है। जैसे उनने बोल दिया कि इंडक्शन मोटर में कि अगर फ्रिक्वेंसी अगर अपन बढ़ा देंगे, ठीक है, तो मोटर में क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या वो फ्रिक्वेंसी के, अगर फ्रिक्वेंसी बढ़ा देंगे कि मोटर ज़्यादा रेवोल्यूशन लेगी या कम रेवोल्यूशन लेगी, ठीक है, तो इसका क्या कारण होता है, तो आपको क्या सारा कुछ डिस्क्राइब उनको करना पड़ेगा, ठीक है। अब अगर आपने डिस्क्राइब कर दिया है, ठीक है, अपने वर्ड्स में, अब वो सबमिट कर देते हैं वहां पर डिपार्टमेंट वालों को। ये बात होती है एक ही दिन में, ये होता है, ठीक है, सबमिट कर दिया। अब सबमिट होने के बाद आपका उसी से वो वाइवा ले लेते हैं, ठीक है, जो जो आपने लिखा है ना वहां पर, ठीक है, वो उसी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन करेगा, और एक दो क्वेश्चन यहां वहां से भी कर सकते हैं। लेकिन अभी तक जो हुआ है, जो जिस बंदे के पास जो क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, उसी से रिलेटेड वो और भी क्वेश्चन कर देते हैं। तो ये मैं वाइवा की बात कर रहा हूं, ठीक है। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि वाइवा किस तरीके का होता है। जैसे ट्रांसफार्मर से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन पूछा, ठीक है, तो वो आपने डिस्क्राइब कर दिया है, ठीक है, ट्रांसफार्मर को, उसके बाद ट्रांसफार्मर को जैसे ही डिस्क्राइब आपने कर दिया है, तो वो जो कॉपी होती है वो सबमिट हो जाती है वहां पर। फिर एक एक बंदे को सेपरेट बुलाया जाता है, ठीक है, उनसे ट्रांसफार्मर से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछेगा, यानी जिसको जो क्वेश्चन मिलेगा उससे वही क्वेश्चन वो पूछा जाएगा। तो ये बात हो गई वाइवा की। तो वाइवा फ्रेंड इसी तरीके का होता है, कहां पर होता है, RGPV यूनिवर्सिटी में। अब दूसरी बात यह आ गई कि प्रैक्टिकल कैसे होता है, ठीक है। अब प्रैक्टिकल का भी प्रावधान है कि, तो प्रैक्टिकल फ्रेंड ऐसे होता है कि जब आप जाएंगे, ठीक है, तो आपने फील्ड में तो काम किया है, ठीक है, जो भी इलेक्ट्रिकल के बंदे होते हैं वो मल्टीमीटर चला लेते हैं, वोल्ट मीटर चला लेते हैं, एमीटर चला लेते हैं, वाट मीटर चला लेते हैं, ठीक है, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो मेन चीज़ें हैं वो तो सबको, आप लोगों को बनता ही है, ठीक है। मेन होता है मेगर से, बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं कि मेगर से आप कैसे टेस्ट करेंगे, ठीक है, कैसे पता चल जाएगा कि इसका इंसुलेशन ऐसा है, ख़राब है, ज़्यादा है, तो आप टेस्ट करके मेगर से बताइए, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन मेगर से पूछे जाते हैं, ठीक है, तो वहां पर फ्रेंड्स कुछ इक्विपमेंट रखे हुए होते हैं, ठीक है। अब इक्विपमेंट रखे हैं, जैसे वाट मीटर रखा है तो कनेक्शन करके दिखाइए, ठीक है। अब कहो बोलते हैं कि एमीटर का कनेक्शन करके बताइए, ठीक है, करंट चेक करके बताइए या वोल्टेज चेक करके बताइए, ठीक है। ये नॉर्मल क्वेश्चन यानी जो नॉर्मल जो अपने इक्विपमेंट होते हैं ना, इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ठीक है, उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। बस इतना ही वो पूछते हैं, ज़्यादा कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और बाकी आपने फील्ड में काम किया है, आपको नॉलेज है फील्ड का, ठीक है, तो ज़्यादातर लोगों का वाइवा क्लियर हो जाता है, ठीक है। तो मैंने आपको प्रैक्टिकल को भी बता दिया है और आपको मैंने वाइवा का भी बता दिया है। तो फ्रेंड इसी तरीके से आप प्रिपरेशन करिए, ठीक है, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं,
तो फ्रेंड्स वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो फ्रेंड वीडियो को लाइक जरूर करना, और फ्रेंड्स डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक है, उस प्लेलिस्ट की लिंक को जरूर चेकआउट करना। उसमें मैंने सारे वीडियोस डाल दिए हैं इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट से रिलेटेड, सॉरी इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर के और इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर के। तो फ्रेंड जरूर विजिट करना उस प्लेलिस्ट को। और फ्रेंड्स अभी भी अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड स्क्रीन पे जो आइकन दिख रहा है ना, तो इस आइकन को प्रेस करके आप अभी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और फ्रेंड्स प्लेलिस्ट की जो लिंक है जो मैं बता रहा था वो स्क्रीन पे आपको दिख रही है, ठीक है। इस प्लेलिस्ट को जरूर चेकआउट करना तो आपको काफी ज्यादा नॉलेज मिल जाएगा, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर के, इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर के। तो फ्रेंड्स आप अगर इस प्लेलिस्ट को देख लेंगे तो आप इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर बन सकते हैं, इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर बन सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलता हूं आप लोगों से अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।